अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे इंशाल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी हो रही है सुबह का 5, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अभी हम बिस्तर पर ही हैं, तो अभी आज जल्दी उठना है सबको, क्योंकि आज हो रही है ट्विंस बेबियों का अकीका हो रही है। तो यहाँ पर देखिए रफ़ा अभी सो रही है और रफ़ा को सोने देते हैं और हम सब उठ जाएंगे अभी। और आज अकीका हो रही है तो इस ब्लॉग पे आप लोगों को दिखाऊंगी, और उसके लिए आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जो लोग मेरे वीडियो पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों के पास तुरंत पहुँच जाए। और अभी हो रही है हमारे सुबह का नाश्ता, जो स्पेशल चाय और पराठा, तो हम चाय पराठा खा के आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ पर देख रहे होंगे बहुत सारे लोग एक साथ हैं, और अभी हो रही है अकीका, क्योंकि थोड़ा देर हो गया है, 7 दिन के अंदर हो जाना चाहिए अकीका, तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन यहाँ पर 7 दिन वो लोग हॉस्पिटल पे थे, तो इसीलिए थोड़ा देर हो गया। अभी घर पर ले आए तो अभी कर रहे हैं अकीका। तो ये जो मीट वगैरह जो है, तो ये सबके घर में दे दिया जाएगा। और ये लिस्ट है जो जिन जिन लोगों को देना है, तो सबका लिस्ट है। और यहाँ पर है घर पर थोड़ा सा जो बनेगी खाना, और ये घर के लिए, तो अभी ये बना रही है खाना और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। सरसों का तेल जो है वो गर्म होने के बाद लहसुन का पेस्ट दे दिया है, फिर उसको थोड़ा सा मतलब ब्राउन कलर होने दिया, फिर यहाँ पर जो मटन है तो वो डाल के दे रही है, और उसको थोड़ी देर पकाएंगे, फिर यहाँ पर मसाला ऐड करेंगे। तो ये मसाला क्या क्या मसाला ऐड करते हैं तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। थोड़ा सा पकने देते हैं इसे। और अभी बहुत सारा प्याज कट के दे रहे हैं, और प्याज अभी ऐड कर दिया है, तो लग रहा है टेस्टी बनेगी। तो ज़्यादा प्याज देते हो तो बहुत ही अच्छा होता है, कोई लोग प्याज ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो हमें तो बहुत ही पसंद है। और अभी यहाँ पर अपना स्वाद अनुसार नमक दिया जाएगा, और फिर इस पर मसाला दे दिया जाएगा, जो हल्दी मिर्च और जीरा धनिया पाउडर ये सब ऐड कर देंगे। और ये जो प्रेशर कुकर में आप बनाते हो तो ये इतना टेस्टी नहीं होता, ये वाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, धीरे धीरे पकता है। तो यहाँ पर अदरक का पेस्ट दिया जा रहा है, तो कितना क्वांटिटी में दिया जा रहा है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि इतने सारे यहाँ पर मटन है, तो उसे मतलब आइडिया अंदाज से ही दिया जा रहा है, जो स्वाद अनुसार जिनको मतलब खाना बनाने में एक्सपर्ट है तो वही लोग अच्छे से ही बना पाते, और मैं इतने सारे तो नहीं कभी बनाई, तो कभी बनाऊंगी तो ट्राई करूंगी अच्छा बने। और अदरक लहसुन का पेस्ट किसी किसी को मतलब कोई नहीं देता है, तो अदरक के बिना तो जो मीट वगैरह अच्छा ही नहीं लगता। और यहाँ पर देख रहे होंगे कलर कितना प्यारा आया, अच्छा ही आया है, तो देखने में लग रहा है मज़ेदार ही बनेगा। तो अभी सब खाना खा रहे हैं, और खाना और यहाँ पर देख रहे होंगे रफ़ा और अबीरा खेल रही है, दोनों कैसे फ्लोर पे खेल रही है, दोनों
मतलब अच्छे से दोनों का दोस्ती हो गया है, तो अभी जाने का भी टाइम हो गया। रफा फिर से रहा, रफा जब जाएगी और सबको भूल जाएगी, फिर आऊँगी, फिर किसी को नहीं पहचानेगी, ऐसा ही है। और यहाँ पर देखिए, हमारा जो चाय का टाइम हो गया है, जो शाम की चाय जो होती है, तो चाय का टाइम हो गया है। इस वाले चाय कभी मतलब कोई मिस नहीं करता, ये वाला चाय जो है वो सब एक साथ बैठ के पीते हैं, और मगरिब की नमाज़ पढ़ के सब एक साथ होते हैं और सभी एक साथ चाय पीते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। पहले भी मतलब कुछ यादें हैं जो पहले हम ऐसे करते थे, जब पढ़ाई करते थे तो जब तक चाय नहीं मिलता था तब तक पढ़ाई करने नहीं बैठते थे। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ये जो कलीजी गुर्दा होता है तो वो बनाया गया है। तो उस वक्त बनाते वक्त मैंने वीडियो नहीं कर पाई, और अभी डिनर का टाइम है तो ये सब मतलब एक साथ सब खाना खाएंगे। और दाल है और मटन भी है। और यहाँ पर देखिए, ये जो छोटे छोटे जो जोहा का चावल होता है, तो उसी से ये सिंपल सा जो पुलाव होता है तो वो बनाया गया है। और सभी एक साथ हम खाना खाएंगे। हमारे घर का ही खा सब लोग है, और हमारे रिलेटिव का एक दो है, तो सब एक साथ रात को अभी हम खाना खाएंगे। और वीडियो को मैं यही एंड कर दूंगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और चलिए, नेक्स्ट कुछ अच्छे ब्लॉग के साथ आप लोगों से मिलती हूँ। और तब तक के लिए खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।